सो आज का खाना है कढ़ी चावल, ग्रेट नॉर्दर्न बीन्स है, हालो पिनो पेपर्स का पिकल है जो मेरी फ्रेंड ने बनाया है, ऑलिव ऑयल और राई मेथी का कुरिया डाल के। ये सिंपल लैटिस और थोड़ा सैलड ड्रेसिंग है, थोड़ा नमक है इसमें, और ये अपनी मिर्चियाँ हैं, मतलब वेस्टर्न मिर्चियाँ हैं पर मैंने उसको इंडियन तड़का और मसाले डाल के किया है, थोड़ा आलमंड बटर और ये सब लगा के, चने का आटा और ये सब भून सेक के, तो बस यही किया है आज। और ये कढ़ी है, सब सिंपल वाइट कढ़ी है, और चावल है, ग्रेट नॉर्दर्न बीन्स है इसमें, तो आज यही सब बनाया है। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, पर मैं खाली शेयर कर रही थी कि मैं क्या खा रही हूँ लंच में। ये जो इन बिटवीन का जो हाफ एन आवर मिलता है उसी में हमको लंच टाइम होता है, तो काम के इन बिटवीन हमको खा लेना पड़ता है जो भी है। कुछ कुछ चीज़ें मैंने पहले बना ली थी, कुछ कुछ अभी बनाई है। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, और मैं वेट लॉस का ट्राई कर रही है, थोड़ा वज़न उतारने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं बहुत केयरफुल रह रही है, तो मेजॉरिटी में ये खा रही और बीन्स में थोड़ा प्रोटीन आ गया। सुबह मैंने केला और अंडा खाया था, और ये लैटिस है, थोड़ा सैलड ड्रेसिंग है, तो मेजॉरिटी इसमें कैलोरीज इसी में आ जाएगा लैटिस में, और बेल पेपर्स तो वेजिटेबल है तो उसमें ज़्यादा कैलोरीज शायद नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। पर मैंने उसको थोड़ा घी में सोतड़ा है, मुझे एक्चुअली ऑयल अच्छा लगता है, पर जो घी का रैपर में थोड़ा घी था तो मैं अभी घी को भी कट डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ, घी तेल को भी कम कर रही हूँ, हेल्थ टेक केयर करने के लिए, हेल्थ का टेक केयर करने के लिए। एनीवे बस शेयर करना था आप सभी के साथ कि मैं क्या खा रही हूँ लंच में, जस्ट शेयर कर रही थी, और ये सारा ग्लूटेन फ्री है। ओके चलो, बाय सभी को, बाय बाय।